भाई साहब अभी तक नींद नहीं खुला मेरा। चलो एनीवेज व्लॉग स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज भाई पहला मोटो व्लॉग कर रहा हूँ मैं सिटी पे, अपनी इस वाली स्टैंडर्ड पे। और पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत जगह से घुस रहा है या मैं गलत जगह से घुस रहा हूँ, ये समझ में नहीं आया। चलो फिलहाल हमें मतलब कॉल आया शोरूम की तरफ से, रॉयल इनफील्ड श्रीमती इंटरप्राइजेज, कि एक बाइक की डिलीवरी है, आपको बुलाया गया है, एक वीडियो बना दीजिएगा। मैं बोला बस पहुंच गए, तो थोड़ा सा पहुंच रहा होगा, 11:30 का टाइम था, 11:40 हो गया मेरे ख्याल से। अरे भाई गलत, हाँ चलो। एक्चुअली मेरे जो ये वाली स्टैंडर्ड है ना, लॉन्ग पंजाब एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो उसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके कारण होता है क्या है कि अगर कहीं भी गड्ढे वगैरह में कूद गई गाड़ी तो एग्जॉस्ट घिसेगी ही घिसेगी। चलो एनीवे हम निकलते हैं भाई, अपनी स्टैंडर्ड तो ख़तरनाक चल रही है फिलहाल। ए टू जेड बहुत सारे वीडियोज़ इसमें हम लोग लेके आएंगे। अभी हो क्या रहा है, थोड़ा सा टाइम का इशू हो जा रहा है, मेरा चल रहा है एक एग्ज़ाम, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था अपने डिलीवरी वीडियो पे क्या हो रहा है, तो उसके कारण टाइम नहीं मिल रहा शूट करने का। और टाइम मिलता भी है तो मैं दूसरी बाइकों को शूट कर देता हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड तो अब हमारे पास परमानेंट आ गई, हम लोगों ने परचेस कर लिया। तो होगा क्या कि इसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बाइकों को डिले नहीं कर सकते, क्योंकि भाई तुरंत डिलीवर हो जा रहा है। और अभी जैसे एक कॉल आया तो चलते हैं डायरेक्ट शोरूम। लिटरली मैं स्टैंडर्ड चलाने के बाद मैंने अपनी RS को चलाया, तो मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने लगा RS पे, क्योंकि भाई समझो ये बाइक पूरी कम्फर्टेबल है एंड RS थोड़ा सा स्पोर्ट्स कैटेगरी है, तो स्पोर्ट्स चलाने में बताओ मेरे को अनकंफर्टेबल लगने लगा, जबकि शुरुआत से मैं स्पोर्ट्स चला रहा हूँ। खैर एनीवेज वो कभी कभी होता है, लेकिन हाँ फिर थोड़ा देर चलाने के बाद हाथ वगैरह सब बैठ जाते हैं। चलो, और अभी एग्जॉस्ट का आवाज़ नहीं आ रहा हो, क्योंकि मैं पूरा लो RPM में और हाई गियर पे चला रहा हूँ। जैसे ही लो गियर एंड हाई RPM होगा, उसके बाद जो मेरा स्टैंडर्ड चीखेगा ना, हालत ख़राब कर देगा सभी का। चलो, तो थोड़ा बहुत सुन सक रहे होगे, बहुत सारे वीडियोस इसमें लेकर आएंगे और भी मॉडिफिकेशन हम लोगों को करवाना है। अभी तो बाइक ली ही है, और सारे मॉडिफिकेशन जब होंगे तब तो यार पार्ट बाय पार्ट वीडियो आते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, हमें 100K हिट करवाना है, और ट्रेन वाली हॉर्न लगाने का यही फ़ायदा होता है, आपको रोड्स पर अच्छे खासे जगह मिल जाते हैं, हर जगह नहीं बजाता मैं भाई, मतलब कि अगर वैसा कोई लंबा जाम रहा तो ही बजेगा। पहुंच गए हैं शोरूम पे एंड वहाँ इलेक्ट्रा खड़ा है और मेरा ही वेट हो रहा शायद। नहीं भैया गए, हेलो भैया, डिलीवरी आप ही का इलेक्ट्रा का, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भाई शोरूम पे आ गए और इलेक्ट्रा खड़ा है बाहर, ये भैया का बोले कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, आपका नाम शुभम भैया का है, एंड बुकिंग वगैरह नहीं हुआ बाइक का, ये डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उठाए, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट उठाए क्योंकि स्टॉक अवेलेबल था अभी, और अभी बाहर खड़ी है। तो चलो बाहर दिखाते पहले आप लोगों को बाइक, एंड फिर से भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ मतलब बाइक में क्या आपको लगा खास बात, कुछ ये सब वाला ये आपको नॉर्मल बाइक की तरह लगेगी, ऑलरेडी घर में स्कूटी है, बाइक है, तो स्टैंडर्ड के बाद वो आता है, क्योंकि स्टैंडर्ड में सिर्फ किक है एंड उसमें आपको सेल्फ भी है, तो शायद सेल्फ का आपने नहीं बोला क्या? नहीं, मेरा क्या है कि मुझे किक स्टार्ट भी चाहिए, सेल्फ स्टार्ट। अच्छा, किक भी चाहिए, सेल्फ भी चाहिए, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड ले लिए घर पे भी सुनने के सेल्फ नहीं, सेल्फ लगाओ इसमें, सेल्फ लगाओ इसमें, मतलब सेल्फ कहाँ से लगेगा उसमें। चलिए तो बाहर आपको बाइक दिखाते हैं आगे चल के। सो हियर इज द बाइक, बुलेट 350 2022 एडिशन कंप्लीट। देखो इसका इंजन वगैरह ब्लैक है, एंड एक खास बात इसमें कि आपको स्टैंडर्ड के भी मज़े मिल जाएंगे विद किक एंड सेल्फ भी है, और इसका बॉडी कंप्लीट ओल्ड जैसा है, और इसमें कुछ ब्रांड चेंज नहीं हुआ है भाई, ये वाला एक बोलो तो परफेक्ट आप समझ सकते हो।
तो भाई पर्दा वगैरह हट गए, अब भैया बैठ के एक बार इंजन स्टार्ट करेंगे इसका कंप्लीट, फिर आपको दिखाते हैं एग्जॉस्ट नोट। चलिए सर इसमें तो एग्जॉस्ट वगैरह चेंज होगा, फिर प्लानिंग है। चलिए तो ए टू जेड सारा वर्क हो गया। अभी आप तो डिस्क्राइब करिएगा बाइक के बारे में, बाइक भैया पूरे डिस्क्राइब कर देंगे अभी ए टू जेड। इंडिकेटर्स हमारा ये हो गया, एबीएस क्या लाइट जल रहा है। जिन्हें स्टैंडर्ड चाहिए विद सेल्फ तो भाई यू शुड गो विद द इलेक्ट्रा वर्जन, क्योंकि ये भी कंप्लीट स्टैंडर्ड जैसा ही दिखता है दूर से। लेकिन अगर इसका कोई मतलब कि मॉडिफाई अगर आप लोग करवा दोगे ना तो कंप्लीट आपको स्टैंडर्ड ही दिखेगा, लेकिन ये विद सेल्फ है इसीलिए ES वर्जन बोलते हैं इसे इलेक्ट्रा। बाकी तो भैया अभी डिलीवरी ले लिए और हम लोग डिलीवरी वीडियो बन गया, छोटा सा काम था हम लोगों ने आके तुरंत बना लिया। भाई किक से भी स्टार्ट कर ले रहे करिए, यही फायदा है। हाँ ये तो है, जब तक किक नहीं आएगा तब तक मजा नहीं। सिंगल पीस एक ही गाड़ी है पूरा रॉयल एनफील्ड में, इसमें दोनों आ रहा ना। हाँ बाप रे इसमें भी बैक मार रहा है। हाँ स्टार्ट हो गया, जब तक एग्जॉस्ट नहीं डालेंगे वह नहीं समझ में आएगा। एग्जॉस्ट डालना होगा, एक बहुत सारा मॉडिफाई होता है एग्जॉस्ट अलॉय, फिर हॉर्न चेंज होता है। अब जाइए आप आराम से घर, मॉडिफाई होगा तो फिर देखते हैं हम लोग। तो चलो मॉडिफाई कराएंगे ये तो अलॉय व्हील्स और एग्जॉस्ट। चलो तो भैया आप जा देंगे मार्केट में चालान भी कटवाना पड़ेगा। नहीं नहीं यहाँ बचता है, बाहर में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ बाहर अगर जाइएगा तो स्टॉक से ही जाइएगा हम बोलेंगे। वहाँ एक बार रह के देख लीजिएगा क्या होगा नहीं होगा, उसके बाद ही लगाइएगा। बाहर में अपना जहाँ रहना हैदराबाद में, वहाँ तो भाई चप्पा चप्पा। हैदराबाद तो दिक्कत है। चलो ठीक है भैया, तो हम निकलते हैं, आप भी निकलिए आराम से। चलिए वेलकम, ठीक है भैया, थैंक यू। आप भी देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक को, अच्छा वीडियो बना रहा लड़का। चलिए थैंक यू भैया, बढ़ते रहिए। चलो ठीक है, बाय भैया। चलो भैया निकलते हैं शोरूम से अब, और ये जो देख रहे हो थोड़ा सा उठा हुआ है, इसमें चढ़ाने में थोड़ा डर लगता है क्योंकि एग्जॉस्ट का डर रहता है कि एग्जॉस्ट सड़ जाएगा। चलो भाई अब निकल गए तो एक बार घूमते हुए चलते हैं अपने घर, यहाँ से हम लेंगे राइट, बड़ा चौक से राइट लेके अब निकलना है बॉस सीधा। तो आशा करता हूँ भाई आप लोगों को छोटा सा हमारा डिलीवरी वीडियो पसंद आया होगा। मैं बोलूँगा यार बहुत खुश होता है, जब बहुत खुश होता हूँ मैं जब कोई देखते डिलीवरी ले रहा है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हम लोग को बाइक नहीं मिलता था और ऊपर वाले की कृपा से आज सब कुछ मिलते जा रहा है। और भी तगड़े तगड़े भी कंटेंट आने वाले हैं, आप लोग शौक हो जाओगे ऐसा ऐसा कंटेंट है अभी, बस पूरा हो जाए। देखो थोड़ा सा तो लग जाता है हम लोग को, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं पूरा हो जाए। तो होपफुली गाइज आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और मैं थोड़ा सा रुक गया था TVS में, कुछ काम था। बाकी चलते हैं हम लोग अब, और बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और हमारे स्टैंडर्ड पे आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं भाई, एक बार लिस्ट बना के कमेंट कर दो मेरे को यार, उस हिसाब से मैं सारा मॉडिफिकेशन चालू करूँगा। मॉडिफिकेशन से रुक गया क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरे पास पैसे अभी नहीं बचे और बाइक ले लिया तुरंत, और कुछ भी मैं ऐसा लेता हूँ अपना यूट्यूब इनकम से तो समझो एक टाइप का इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है मेरे ऊपर। खैर एनीवेज वो सब पूरा हो जाएगा, होप फॉर दी बेस्ट। मैं तो वर्क कर ही रहा हूँ, आप लोग भी साथ देते रहो, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमें बताना भी और कैसा वीडियो आप लोग चाहते हो, क्या कुछ कमी होगी। चलो वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। कॉल आ रहा है भाई।